हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज 6 जनवरी सुबह के 7 बजे हैं। मैं अपने खेत के वाले साइड की नदी में अभी हूँ। यहाँ से अपने केले वाला खेत की हम आज विजिट करेंगे। ये कुछ सामने केले का खेत है। ये कुछ पेड़ यहाँ पे कल बारिश की वजह से गिर गए थे। नदी में का ये नज़ारा है। नदी में हूँ मैं अभी और नदी से पार अपने खेत में जा रहे हैं। ये मेरा केले का खेत है। केले की फसल यहाँ पे होती है। केले की बुआई पिछले 2 साल पहले करी थी। अब ये दूसरी फसल देगा। ये नदी के किनारे वाला खेत लगता है। बहुत ही सुंदर पेड़ हैं केले के। बिल्कुल शांत जगह है। यहाँ पे नदी ने कटान कर दिया था, फिर भी ये केले की जड़ें यहाँ पनप गई हैं। धरती बहुत उपजाऊ है यहाँ की। कहीं भी कोई अगर बीज गिरता है तो ये पौधा केले का जैसे जड़ रह गई तो वो वहीं पे ही उगाती है। ये सब कटान में गिरा हुआ केले का ये सब यहाँ पे दोबारा से उगाए हैं। पीछे से एक रास्ता इधर से भी आता है। ये सब नदी में जड़ें फेंकी गई थी पिछले सीजन में। ये सब यहाँ पे उगाई है। बहुत ही उपजाऊ जगह है। किसी भी तरह का पेड़ पौधा यहाँ पे फल देता है। पीछे ही केले की छटाई करी थी। पत्ते उसके पड़े हुए दिखाई देंगे आपको। बिल्कुल गुलाई करके साफ सुथरी जगह। पिछले साल से इस साल फल कुछ ज्यादा आने वाला है। कहीं भी आप देखेंगे बिल्कुल एक लाइन में सब पौधे
बड़े प्यारे लग रहे हैं, बिल्कुल साफ सफाई दिखेगी हर तरफ। केले का खेत सफाई बहुत मांगता है, उसी के बराबर फिर फसल भी बढ़िया होती है। केले का पेड़ गिर गया, ये बिल्कुल नदी किनारे पे ये मेरा खेत लगता है। कहीं भी आप देखेंगे बिल्कुल एक सीध में सारे पौधे दिखाई देंगे आपको। बहुत ही प्यारा नज़ारा है केले के खेत का। देखो छोटे छोटे पौधे सब उगाए हैं केले के, ये जड़ें यहाँ पे फेंकी गई थी पिछले कटान पे, सब जड़ें दोबारा से पनप आई है। ये देखिए यहाँ पर झील कटान करा था नदी ने, कटान पे ही सफाई करते टाइम केले की जड़ें यहाँ रह गई, तो ऐसा दोबारा से फल देंगे पेड़ के। ये वही नदी है जिसमें से हम अभी आए थे, वही नदी हमारे साथ साथ चल रही है। एक नदी का कटान यहाँ भी हुआ है, यह भी इसको नदी कटान को बंद करने के हिसाब से कह लीजिए, बाकी यहाँ पर ये जड़ें फिर दिखेंगी आपको कटी हुई, ये सब पनप रही है। सब केले के पेड़ अब की बार फिर फसल फल देगी। ये तकरीबन 2 एकड़ के आसपास की जगह है ये, जिसमें मैंने केले की फसल करी हुई है। ये सब नदी किनारे पे ये छोटे छोटे पेड़ उगाए थे, जो केले पूरी तरह से पनपने की उसमें है। देखिए कितना फल आएगा, बहुत ही उपजाऊ जगह है। कहीं भी कोई भी चीज़ अगर आप बीज डाल दीजिए बहुत अच्छी उपज देता है। इसके बगल में ये गेहूं का खेत आ गया, ये गेहूं का खेत है, वो उधर सामने मेरा ट्यूबवेल है। ये रास्ता फार्म के लिए इधर से आई, इधर से होती हुई ट्यूबवेल पे आया, ये ट्यूबवेल है, ट्यूबवेल से ये होते होता हुआ
ये पूरा खेत। हम अपने केले की खेती के बारे में बता रहे थे। ये मेरा केले का खेत होगा। मैं पिछले 3 साल से इसमें केला ही हो रहा है। ये वहाँ तक केले की खेत की सीमा यहाँ पर ख़त्म होती है। ये केले में पानी देने के लिए खाल बनाया हुआ है। इसी से पूरे केले की खेत की सिंचाई होती है। खाल ऐसे होता हुआ सीधा मेरे ट्यूबवेल पे पहुंचा। सामने ट्यूबवेल है, बिजली के कनेक्शन से मोटर चलती है इसकी। आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार।